ये खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये बड़ी खबर, शपथ के बाद नए मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में संगठन के प्रमुख नेता मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वीडी शर्मा बैठक में मौजूद है। महाकौशल बुंदेलखंड को लेकर चर्चा हो रही है। चुनावी रणनीति को लेकर बड़े नेताओं संग चर्चा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। तो चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। इस बड़ी बैठक में रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। महाकौशल, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, हमने पिछले समय देखा तीन जो है बड़े नेताओं को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई और विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश के रूप में उसे देखा गया, लेकिन अब इनके साथ एक बैठक की जा रही है, तो क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही होगी? और जैसा कि एक सवाल और है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये भी संकेत दिए हैं कि एक बार और शायद बदलाव कर सकते हैं, एक बार और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। संकेतों में कहा, लेकिन कहा? देखिए, विस्तार के लिए तो एक जगह खाली है और हो सकता है कि उसमें कभी यदि ऐसा होता है, वैसे उम्मीदें कम है, तो मालवा से किसी को जगह मिल जाए। लेकिन जहां तक बात करें आज की बैठक की, तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अभी विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। और आज जब अभी बैठक चल रही है, जिसमें भूपेंद्र यादव भी है, बीडी शर्मा है, शिवराज सिंह चौहान है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हितानंद जी है, तमाम लीडर यहाँ बैठे हुए, तो बिंद महाकौशल बुंदेलखंड पर आपको यदि मंत्री बना दिया है तो उसका लाभ क्या भारतीय जनता पार्टी को? संगठन के अपने कुछ सवाल है, संगठन की अपनी कुछ रणनीति है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होना है। और उन क्षेत्रों में जैसा मेरे पास जानकारी है, दो तीन दिन में फिर एक सूची दिखाई देगी, तो उस पर भी चर्चा होना है। तो अब जिम्मेदारियां सौंपी जानी है, मंत्री बनने के बाद आप किस तरह से बिंद में काम करेंगे, आप बुंदेलखंड में या फिर आप जाकर महाकौशल में काम करेंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा चल रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी है कि यहाँ तत्काल आपको पद मिलता है तो काम पर लगा दिया जाता है। अब तो 2023 के चुनाव बिल्कुल सिर पर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये बैठक बुलाएगी। कल भी बैठकों का दौर रहेगा, दो दिन और बैठ के चलना है, तो अब ये बैठकों का दौर थमने वाला नहीं है ललित। और निश्चित रूप से आज मुझे लगता है देर रात तक विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा इस बैठक के बाद। यानी कि मनोज जी, मंत्री बना दिया गया, अब कमलनाथ को सीधी टक्कर देनी है, और जहां जहां समीकरण साधने की कोशिश की गई है वहां एक नई रणनीति बनाई जाएगी जिसके तहत अमल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।